हजारीबाग देश में डाइक्लोफेनेक सोडियम नाम की दवा को जानवरों के इलाज में प्रतिबंधित करने का सुखद परिणाम मिलने लगा है। हजारीबाग में विलुप्त गिद्ध आसानी से दिखने लगे हैं। शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर हजारीबाग चुरचू मार्ग पर स्थित पिंजड़ा पौला गौशाला के मृत जानवरों के फेंकने का स्थान कॉक्स डिस्पोजल साइड में मृत गाय बैल को फेंकने के 4 से 5 घंटों के बाद कई दर्जन गिद्ध उन्हें खाने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों हजारीबाग के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अमित जैन ने सीतागढ़ के साइट पर 50 से अधिक संख्या में पहुंचे गिद्धों की फोटो खींच, जिसमें अधिकतर 1 से 2 साल के गिद्ध थे। अमित जैन ने बताया कि वह हमेशा कहीं ना कहीं फोटोग्राफी करने जाया करते हैं। उसमें सीतागढ़ा साइट पर जो फोटो खींचे उनमें सबसे ज़्यादा सफलता दिखने वाली यह बात रही कि इसमें किशोर गिद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जो भविष्य में गिद्धों की वृद्धि के बेहतर संकेत दे रहे हैं। चूंकि हजारीबाग प्रोविजनल सेफ वल्चर जोन है, इसलिए अब ज़रूरत है इसे सेफ बनाने की, ताकि गिद्धों का संरक्षण एवं बेहतर ब्रीडिंग यहाँ हो सके। सन 2006 में डाइक्लोफेनेक सोडियम के इस्तेमाल पर भारत सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी। इस पाबंदी के बाद बेहतर परिणाम अब सामने दिखने लगे हैं। डाइक्लोफेनेक सोडियम की जगह पर मेलकोसिकम नामक दवा बाजार में उपलब्ध कराई गई है, जो जानवरों के लिए बेहतर सिद्ध हुए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए गिद्धों के संरक्षण की दिशा में काम करने वाली पक्षीविद सत्य प्रकाश बताते हैं कि हजारीबाग एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह गिद्धों की संख्या देखी जा रही है, अब जरूरत है उनके जनसंख्या की गणना कराने की, ताकि मालूम हो सके कि पिछले 4 वर्षों में इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से इनकी गणना अधूरी पड़ी हुई है। सत्य प्रकाश ने यह बदे भी बताया कि हजारीबाग के अलावा खूंटी एवं चौपारण के क्षेत्रों में भी गिद्धों की संख्या काफ़ी देखी जा रही है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हजारीबाग में बेहतर ब्रीडिंग हुआ, जिससे यहाँ के गिद्ध अन्यत्र जाकर भी अपना कुनबा बना रहे हैं और अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा है कि प्रारूप को अमली जामा पहनाने में पक्षियों में सबसे ज़्यादा भूमिका गिद्धों की होती है, अतः ज़रूरत है इनके संरक्षण की, ताकि स्वच्छता को और बेहतर बनाया जा सके और दवा के कारण जो दुष्परिणाम सामने आते हैं उनसे बचा जा सके। फोटोग्राफी के लिए जाते रहता हूँ और इस बार मैं सीतागढ़ गया था बर्ड फोटोग्राफी के लिए। वहाँ पे मुझे बहुत सारे वल्चर्स देखने को मिले। मैंने उन सबका फ़ोटोज़ क्लिक किया, वीडियो बनाया, और जो सबसे अच्छी बात रही इस बार कि मुझे वहाँ पे जो वल्चर्स मिले उनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी। लगभग 50 से अधिक वल्चर्स मेरे को देखने को मिले, और इस बार उसमें से बहुत सारे वल्चर्स जुवेनाइल वल्चर्स थे, जो कि 1 से 2 साल के वल्चर्स थे। और एट प्रेजेंट जो हजारीबाग है वो एक प्रोविजनल सेफ वल्चर जोन है, जिसे कि हमें कोशिश करना है कि उसे हम लोग सेफ वल्चर जोन बना सके। अभी भी चूँकि हम लोग पिछले 10 साल से हजारीबाग में वल्चर्स को बचाने का काम कर रहे हैं, तो ये पिछले 10 साल में तो ये नंबर जो है आज भी दिख रहा है हजारीबाग में वल्चर्स। और वल्चर जो हजारीबाग में है वो नए नए वल्चर यंग वन, जिसको हम लोग नेस्टलिंग कहते हैं, बच्चे अभी भी दिख रहे हैं। इस बार ही 10-12 बच्चे हम लोगों को दिखे। इसका मतलब हजारीबाग में अभी भी जनसंख्या गिद्धों की बढ़ रही है, प्रजनन हो रही है। इसके अलावा अभी के दिनों में वल्चर जो है सिर्फ पहले कुछ दिनों तक तो सिर्फ हजारीबाग में दिखते थे, इन हाल के दिनों में गिद्ध जो है वो रांची के खूंटी में, चौपारण में, बरही में, बगोदर में, इन सब इलाकों, कुड़रमा में, इन सब इलाकों से सूचना आ रही है गिद्धों को होने की। तो ये पूरा ये हम लोग ये कह सकते हैं गिद्ध की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, और एक जगह से हजारीबाग से गिद्ध जो है दूसरे जगह भी जा रहे हैं। हजारीबाग से संप्रिय वशिष्ठ की रिपोर्ट।